साकिब निसार के बेटे हैं, उनकी जानिब से नालिश थी कि ये जो इलीगल इंटरसेप्शन होती हैं प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस की, एक तो वो मेरे साथ बुशरा बीवी की जो बात थी जो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पे फ्लैश की गई और बार बार दिखाया गया मेरी तस्वीर लगा के और बुशरा बीवी की तस्वीर लगा के, तो हमने यही नालिश की थी कि ये किस कानून के तहत करते हैं, ये जो पाकिस्तान सारे में एक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया है और किसी का फ़ोन जो है वो महफूज नहीं है उसमें, हालांकि फ़ोन का मतलब ही ये है कि वो कॉलर और रिसीवर के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन है, जो बातचीत हो रही है, वो किसी को हक़ नहीं है सुनने का। और ये 25 करोड़ आवाम को इन्होंने मुकैद तो कर दिया है, लेकिन इन्होंने मीडिया पर भी इस तरह से इंटरफेरेंस की है कि हमारी कॉल्स जो है, ऑडियो वीडियो कॉल्स जो है, उसमें भी ये घुस जाने की कोशिश करते हैं और फिर जो है उसकी मुश्तहरी मनादी करके उस पर जो है फिर ये बार बार टीवी पे चलाते हैं, चैनल्स पे चलाते हैं। तो आज यही पैमरा के हेड को भी, चेयरमैन को भी बुलाया हुआ था, आज पीटीए के चेयरमैन को भी बुलाया हुआ था, उनकी जानिब से फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब पेश हुए और शहजाद साहब बैरिस्टर पेश हुए और दूसरे सारे वकला काजी साहब पेश हुए, टेलीकॉम और पीबीए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन से, और फिर फैसल सदीकी साहब पेश हुए हुए थे, तो सारी एजेंसीज़ को भी बुलाया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी उसको भी जवाब तलब किया था। सभी कह रहे हैं कि ये जो है गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर ये जो है, इसका कोई जवाब नहीं है कि जो प्राइवेट मुदाखलत करते हैं कॉल्स के अंदर, जो इंटरसेप्ट करते हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो जज साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि फिर ये किस तरह से पाकिस्तान में ये हो रहा है कि किसी की भी सिक्योरिटी सिक्योर नहीं है, कॉन्वर्सेशन जो है, बातचीत जो है आपस में, अब एक वकील और साहिल के दरमियान कोई जो कॉल होती है, जो बातचीत होती है, वो कानून में भी प्रिविलेज्ड है और आईन में भी उसकी प्रिविलेज है, और आर्टिकल 14 को देखें, यानी वो डिग्निटी उसकी जो है, ऑनर उसका जो है, वो इनवायलेबल है आईन के तहत, बुनियादी हकूक के तौर पर उसमें मुसल्लम है कि उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई दखल नहीं। ये कोई 1885 का जो है टेलीग्राफ एक्ट की हवाला देते हैं, फिर 1900